हेलो भाई यार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल डीएल के स्पेस के सबसे पहले वीडियो में। तो भाई यार, इस वाली वीडियो में मैं बहुत ही बढ़िया सा मतलब एकदम लेजेंडरी गेम खेलने वाला हूँ, जिसका नाम है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो यार, इस गेम में मैं सर्वाइवल का जो मोड होता है वो खेलने वाला हूँ, और एक इसी सर्वाइवल की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये इस सर्वाइवल सीरीज का सबसे पहला एपिसोड है, तो इसके और भी एपिसोड्स आते रहेंगे। तो यार, चैनल के साथ बनी रहिए, मैं और भी एपिसोड जल्द से जल्द आता रहूँगा। और तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो यार, सबसे पहले वर्ल्ड का नाम डाल देते हैं। मैं डाल रहा हूँ डीएल का सर्वाइविंग। तो अभी सब कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट्स को शो ऑन रखे, फिर यार मल्टीप्लेयर ऑफ कर देता हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है। तो यार, सब कुछ सेट हो चुका है। तो यार, वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगा गाइस, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, और मिलते हैं वर्ल्ड क्रिएट होने के बाद। तो यार, इतना सारा वेट कर लिया है मैंने, और लोडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और फाइनली यहाँ पर इस वर्ल्ड में मैं आ चुका हूँ। कहाँ पे हूँ भाई? हाँ भाई, तो मैं यहाँ पर पानी के पास स्पॉन हुआ हूँ, और मेरे आसपास कुछ ऐसा खास नहीं है, छोटा सा आइलैंड है, और नीचे बहुत सारे जॉम्बीज भी है गाइस। अभी तो नहीं दिख रहे हैं, पर जब पहाड़ नीचे के पहाड़ रेंडर नहीं हुए तो बहुत सारे जॉम्बीज दिखे थे। आपने भी देखा होगा। तो यार, मैं एक छोटे से आइलैंड पर आ चुका हूँ जिसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, तो इसलिए मैं आगे वाले जो आपको बड़ा आइलैंड दिख रहा है वहाँ पर जाऊँगा, और मुझे रास्ते में कोई जॉम्बी ना मिले यार, तो अच्छा होगा बहुत। तो जाते हुए नीचे नहीं, कोई भी गाँव भी नहीं दिख रहा है। अब रात में आएंगे शायद, यही से आएंगे यहाँ पर। मुझे लगता है यहाँ पर जॉम्बी का जो स्पॉनिंग का पॉइंट होता है वो है। तो सबसे पहले ये बड़ा आइलैंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, देखते हैं कोई शेल्टर के लिए जगह मिलेगी या नहीं। ओ भाई, यहाँ पर एनिमल्स भी है बहुत सारे। ओ भाई, तो मुझे यहाँ पर एक अपना शेल्टर बनाने के लिए एक जगह मिल चुकी है। और सबसे पहले तो मैं अपनी बेसिक नीड जो कि है वुड, वो तोड़ूंगा, क्योंकि वुड से ही शुरुआत तो वुड से ही होंगी, क्योंकि उससे ही क्राफ्टिंग टेबल और सारे बाकी के टूल्स वेपन सब बनेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बहुत सारे वुड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये आखिरी वाला है। तो यार गाइस, मेरे पास अभी इनफ फूड है, अभी मतलब फिलहाल इनसे काम चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, इससे पहले यार प्लैंक्स बनेंगे वो भी बना लेता हूँ। तो बहुत सारे प्लैंक्स, मेरे वुडन प्लैंक्स बन चुके हैं, तो अभी क्राफ्टिंग टेबल बनाऊँगा। क्राफ्टिंग टेबल की रेसिपी एकदम सिंपल है गाइस, सभी बॉक्सेस में वुडन प्लैंक को भर देना है बस। तो यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग टेबल फिलहाल के लिए प्लेस कर देता हूँ, और मुझे चाहिए कुछ स्टिक कलेक्ट करने के बाद मैं कुछ टूल्स बनाऊँगा, जैसे कि अपना ये पिकैक्स हो गया, एक्स हो गया, और कुछ शावल, ऐसे कुछ बेसिक टूल्स बनाऊँगा वुडन के, जो कि अभी मेरे लिए फिलहाल काम में आ जाएंगे। और एक शॉल भी बनानी है मुझे। ओ भाई, ये शॉल, अभी मैं एक शॉल बना लेता हूँ, और फिर अभी मैं एक वुडन शॉल भी बना देता हूँ, जिससे कि मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लूँ। तो यार, आपको आप सभी को इसकी रेसिपी तो पता ही होगी, इतनी कुछ मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और आपको साइड में जो ये आपको दिख रहा है इसमें भी इसकी रेसिपी दी होती है। तो मैं यहाँ पर अपना घर बनाऊँगा, छोटा सा मतलब टेम्पररी घर बनाऊँगा,
और यहाँ से, हाँ यहाँ से मैं अपना मतलब डोर लगाऊंगा, फिर उसमें एक केव जैसा बनाकर थोड़े दिन ये इसी में रुक रहूँगा गाइस, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेस तो नहीं है। फिर यहाँ पर मुझे कुछ कोल और कवर स्टोन ऐसे थोड़े रिसोर्सेस दिख रहे हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाले है। तो फिलहाल इसको मैं बना लेता हूँ ठीक से। तो गाइस इतनी सारी जेसीबी की खुदाई करके यार इतनी सारी खुदाई करके थोड़ी बहुत मेरी केव बन चुकी है, और उसमें मुझे बहुत सारे कबलस्टोन मिले हैं जो कि उड़न मेरे लिए उड़न के जो वेपन ऑफ यूज होंगे वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले हैं। तो यार मेरी जेसीबी की खुदाई अभी भी चालू है तो कर रहा हूँ, और मुझे लगता है बिना फेजी या नहीं इतनी थोड़ा सा नहीं यार उधर से एक होल बन जाएगा फिर से, तो थोड़ा सा और मैं जेसीबी की खुदाई कर रहा हूँ जेसीबी तो यार इस डिटेल्स की मदद से थोड़ा सा और खोद के इस केव को थोड़ा बड़ा बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर्स मिल रहे हैं मुझे, इसकी जगह कवर स्टोन मिल जाते तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर अभी इवनिंग भी होने वाली है तो इस केव को मैं थोड़ा सा और एक बस एक लाइन में बड़ा मतलब एक वॉल अभी बढ़ा देता हूँ जिससे कि मुझे यहाँ पर सब कुछ रखने में आसानी होगी। तो लगभग मेरा घर बन ही चुका है, तो यार बस अब ऊपर के ब्लॉक स्टोर में बाकी है जो कि मैं अभी कर देता हूँ, और पिकेक्स की मदद से बहुत ज़्यादा आसान हुआ है मुझे कबल स्टोन ग्रावल वगैरह सब तोड़ना। और अगर मेरे पास स्टोन की पिकेक्स होगी तो यार बहुत ज़्यादा आसानी होगी, तो उस सारे स्टोन के इक्विपमेंट्स में अगले एपिसोड में बनाऊंगा, अभी के लिए फिलहाल सब बेसिक चीज़ें ही बनाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे एक सैपलिंग मिली है ट्री की, तो पर अगर क्राफ्टिंग टेबल को अंदर लगा देता हूँ, कलेक्ट कर लिया तो इसे अंदर इस होल में लगा देता हूँ, पहले सिलेक्ट कर ली इस वाले होल में सही रहेगा भाई। हाँ तो यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल लगा लिया है मैंने, तो अभी मैं फर्नेस बनाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है अपना मतलब अपना जो फूड है उसको पकाने को, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब उसकी मदद से आप मुझे मिल सकती है। तो यार मतलब जो भी जला कर चीज़ें चाहिए होती है वो सारी फर्नेस में बन जाती है। यहाँ पर गलती से मैंने दो फर्नेस बना लिए, पर कोई नहीं यार काम में आएंगे बाद में। तो सबसे पहले फर्नेस यहाँ लगा देता हूँ, पर अभी मुझे फर्नेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कोल भी होते हैं, और मैं इन कोल्स की मदद से टॉर्च बना लेता हूँ, जो हमारे मसाले को जैसे दिखती है ऐसी टॉर्च बना देता हूँ मैं। पर इसको कट करके इसको क्राफ्टिंग टेबल पे बनाएंगे, तो यार 4-8 स्टिक खत्म हो गए, तो यार 8 ही टॉर्च बनाऊंगा मैं। और भी यार मतलब माइनिंग वगैरह के लिए कुछ ढूंढते एक आधी चेयर, और थोड़े बहुत मीट की भी ज़रूरत होगी मुझे अगर मेरा हंगर बार अगर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़े एनिमल्स को भी मारूंगा। तो मुझे एक काली भेड़ मिली है जो मतलब एक शिप मिल चुकी है जिससे मुझे वूल भी मिलेगा और मीट भी मिलेगा। हाँ भाग रही है, और एक शिप मुझे सामने नजर आ गई है दोस्तों। मेरे पास अभी 2 वूल हो जाएंगे, रुक मर जा मर गए। अब मेरे पास 2 वूल हो चुके हैं, और बेड बनाने के लिए कुल चाहिए होते हैं 3 वूल्स। तो यार पर मेरे पास एक ब्लैक ग्रे वूल है जिसको मुझे डाइट से वाइट करना होगा, तो ये फ्लावर्स मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक बड़ी ऐसी केव भी दिख चुकी है गाइस, और ये केव बहुत ही मस्त लग रही है यार। पर यहाँ पर क्रीपर है, ओ भाई भाई भाई, क्रीपर क्रीपर को मार पास से नहीं मार सकते क्योंकि वो ब्लास्ट हो जाता है। तो यार जल्दी से ऊपर जाता हूँ मैं, पर उस केव में यार मतलब खजाना था यार, क्या उसमें गोल्ड था यार, आप अपने देखा होगा या नहीं, पर उस केव में गोल्ड था।
फिर कोई नहीं, बाद में आएंगे दिन होने के बाद, अभी तो शाम हुई है और रात होने वाली है, इसीलिए इसीलिए मैं अभी अपने घर में जाता हूँ और वहाँ पर थोड़े बहुत लाइट्स मतलब टॉर्चेस लगानी है, उनके फिर पकाना आएगा, फिर ये करने को है अभी। पर अभी तो मुझे एक डोर की ज़रूरत होगी जो कि बनाना बहुत सिंपल है। आपको क्राफ्टिंग टेबल में जाकर वो जो तीन 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 की जो दो लाइनें हैं उसमें आपको वुडन प्लैंक्स भर देना है। ओ भाई गलती हो गई, हाँ ऐसे यार ऐसे भर देना है और फिर बाद में डोर तीन डोर्स बन जाएंगे, उसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो इससे मैं पूरी तरह से सेफ बन जाऊँगा। अभी मुझे यार बेड चाहिए होगा, पर मेरे पास दो ही बुल है और एक भेड़ी मतलब एक भेड़ यानी कि शीप को मारना होगा, वो भी वाइट वाली। तो यार मैं अभी अभी बस इतना ही, मुझे लगता है बस इतना ही काफ़ी है आज की वीडियो में, क्योंकि मेरे पास सभी बेसिक चीज़ें आ चुकी है और बिना बेड के भी ये रात कट जाएगी। तो यार मेरे ख्याल से बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप सबको एक अगली वीडियो में। पर यार इस वीडियो को लाइक ठोक देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा, पर यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना, मैं ऐसे एपिसोड लाता रहूँगा। तो यार तब तक के लिए सी यू देन, बाय।